मैच चल रहा है, ये अपनी किट्टी पार्टी कर रहे हैं। किट्टी पार्टी वो पीछे वाले, उनको देखो। Hey what's up, welcome back to another vlog. So आज हम लोग जाने वाले हैं बॉक्स क्रिकेट खेलने के लिए। This is not a new concept, but सबको लेट कराया है मैंने। हाँ भव्य, क्या है तू? अरे भाई उतर गया, नीचे आ गया है का, लेकिन अबे अपने घर के नीचे आ गया। जल्दी आ गया, जल्दी है, 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा वहाँ मीटर। ओके ब्रदर आ गया। सबको लेट कराया है मैंने अभी, कोई नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये सारी चीजें फॉलो करनी है, इसलिए मैं लेट करा रहा हूँ थोड़ा सा इन लोगों को। मैं हमेशा थोड़ा सा लेट कराता हूँ। वो टर्फ जो होता है ना प्रॉपर, उसमें खेला है, बट क्रिकेट मैंने कभी भी नहीं खेला है। सो आज चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोग भी आई थिंक पहली बार मेरे व्लॉग में ऐसा कुछ डिफरेंट बॉक्स क्रिकेट या ऐसे इंडोर क्रिकेट ऐसे देखोगे। इट्स नॉट इंडोर, बट जो भी है मैं जा रहा हूँ। यार ये कौन आ गया यार? छी छी छी। और भाई पिंकी पीच बन के आई है। वैसे तू पहले, अच्छा तू तो गया हुआ है ना बॉक्स क्रिकेट खेलने के लिए? यस ब्रदर। सो गाइस दिस इज द स्कूल, एंड आज मेरे को पता नहीं क्यों रियलाइज हुआ कि मेरे को ना नए सॉक्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज ये एंकल सॉक्स पहन के आया हूँ मैं। और सुबह मैं लेट भी सिर्फ सॉक्स की वजह से हूँ, और कल भी मैं सॉक्स की वजह से लेट हुआ था। बट कोई नहीं, हम लोग आ चुके हैं हमारे गुरशरण कॉन्वेंट स्कूल। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ये कोई स्कूल एग्जिस्ट भी करता है ऐसा। कि यहाँ से ना लेफ्ट लोगे तो बाहर ना एक स्कूल है मीराबाग, तो हमारी वहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस होती थी, कोचिंग। वहाँ पे टेलीफंकन क्रिकेट क्लब प्रैक्टिस कराते हैं, और बहुत पहले शेखर धवन के टाइम से कराते हैं। सो हम लोग वहीं पर जाते, वैसे तो मैं सेंट मार्क्स जनकपुरी जाता था पहले, बट यस दिस इज स्कूल, एंड इसके पीछे में भी इन लोगों ने बनवा रखा होगा टर्फ कुछ। वेल नॉट एग्जैक्ट टर्फ, फुटबॉल के लिए वो टर्फ बोलते हैं, बट क्रिकेट के लिए बॉक्स क्रिकेट एक नया टर्म मैंने तो पहली बार सुना था, क्योंकि इन लोगों की स्नैपें देखी, मैंने कहा मैं भी चलूंगा एक बार। नाउ हियर आई एम। अरे यार मैं ग्लासेस भूल गया। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो वी विल बी स्टार्टिंग अ व्लॉग हियर विद दिस एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। एंड ये रहा कुछ, ये फुटबॉल का एग्जैक्ट फील्ड है, अच्छा फील्ड बना रखा है यार, है ना? ऐसा कुछ पीछे नेट, एंड यहाँ पे सारे अपने वही क्रिकेट के लौंडे आ रखे हैं जो संडे संडे खेलते हैं। अरे छोटा भी नहीं है यार ये, अच्छा खासा है यार। घास कटवा दियो प्लीज। क्या आप क्या करने आए हो, आप बताओ। मैं तो ऐसे ही आया हूँ। अरे गाइस यार प्लीज फोटो नहीं यार। और भाई कैसे? और भाई स्टार प्लेयर यार तू तो हट जा यार, भाई लॉन्ग टाइम भाई बात हो यार। ये आइकॉनिक जैसे नहीं लगते? मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, सेम ऐसे लगते हो यार। मेरे को लगा कल की वीडियो के लिए बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आइकॉनिक एक बंदा है। फिर जादू ले लो, फिर बराबर हो जाएगा। यार मैं ना गोप्रो लाना भूल गया, मतलब चेस्ट पे लगा था और मस्त आराम से पूरा मैच रिकॉर्ड किया। बट एनीवेज आईफोन का माइक भी बेटर है, तो इसको मैं किसी को दे दूंगा। गाइस हमारे दो सीनियर प्लेयर्स भी आ रहे हैं। कितने ओवर का क्या सीन है? 6-6 ओवर अभी क्यों है? बड़े सहवाग सर हमारे हो रहे। कौन से? रुको दिखा दे ये वाले। और यहाँ जाल में फंसाया गया है। नहीं कीपर, शक्ल दिखाओ तुम जरा। आ ये अरे भाग लो आउट ही है भाई। खुशी देख रहे हो? खुशी आउट किया नहीं, रन आउट भी छोड़ दिया ऐसे। अरे एशले तीन ओवर 23 रन अभी तक, 4-5 आउट हो चुके होते बस। ये ना ये 18 है ना, ये देख सिंगल ही आएगा। अरे गुड बॉल यार, वो तो कंपल। ये प्लेयर ये ऐसे ही हैं, हंसते रहते हैं, बस की नहीं इनके भी। यहाँ पे मैच चल रहा है, ये अपनी किट्टी पार्टी कर रहे हैं। किट्टी पार्टी वो पीछे वाले, उनको देखो। A1 ब्लॉक वाले ऐसे ही हैं। कैच कैच, ये लड़ते बहुत हैं। गाइस जो भी लेट आते हैं वो बनते हैं कॉमन बीच का बिच्छू। और इसको हमारी टीम से बैटिंग नहीं मिली। नाइस यार, नाइस शॉट यार। गाइस 29 रन्स बनाए, नहीं 28 बनाए, 29 टू विन है। हैं? हां 33 टू विन है इन 7 ओवर्स। मेरे को कॉमन बनाओ। ये देखो इसको, प्रॉपर पेस डाल रहा है भाई यहां पे।
ये तो गलत ही मीडियम डाल रहा है। ओ ओ ओ ये फर्स्ट एंड सेकंड शॉट लग गया है। जाओ जा 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 जाडू। ओ ये क्या हो गया शॉट यार। नो रन। दे 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 बैटिंग है बैटिंग है। ओबे 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 ओबे। अगर टर्फ पे तुम लोग खेलने नहीं जा रहे तो यहाँ पे तो आ ही सकते हो। यहाँ पे तो कोई बहाना नहीं है। क्रिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों को बुलाओ। तो यहाँ की फीस कितनी है ओवरऑल? 2800 फॉर 2 आवर्स। तो अगर आप लोगों को आना है यहाँ पे तो आ सकते हो। यार ये तो लड़ने लग गए हैं यार। आपको क्या लग रहा है बेटा, आउट है नॉट आउट है? आउट है। अच्छा पापा उस टाइम इसलिए तो नहीं बोल रहे? अच्छा चाचू। ओ मारो छक्का। ये नो 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 नहीं है। और पहली बार स्टंप में ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारते। चलो चौका हो गया। अब चेयर यहाँ पे केतन ने पूरा मैच खत्म कर दिया। लाओ बैट। एक्चुअली इंस्टेंट कर्मा मिला तेरे को। सही कह रहा है। रन आउट कराया, खुद भी रन आउट हो गया। मतलब एक बॉल लगी तो बस, एक बॉल हाथ में ही गिर गई भाई उसके। कर्मा हिट्स डिफरेंट ब्रो। या ब्रो रन आउट के मामले में तो और गंदा। तेरा मैच ज्यादा तेरे को अच्छा नहीं लगता? नहीं यार थोड़ा मुश्किल तो। सारे पैर छिल गए यार। 3 ओवर 19 हो गए और 10 रन चाहिए 3 ओवर में। और दो छक्के मार दिए तूने। अच्छा आप ही को तो मारे। अरे भैया कैसी बात। 1-1 हो गया ना अब तो। थर्ड मैच ऑफ टुडेज डे बिगिंस नाउ। पहली बॉल और ये कुछ नहीं है, एक रन आ गया। ये देखो गाइस भट्टा ऑफ स्पिन। कोशिश भी नहीं कर रहा है सीधी डालने की। चल आ जा राहुल छक्का आके दिखा। चल ये तो बॉलिंग मशीन की तरह डाल रहा है। जब मैं खेल रहा था तब तुम्हें याद नहीं आ रही थी? भट्टा ही निकालेंगे इनके सारे ओवर। आप लोग समरी बता दे, 3 मैच हुआ, 2 हम जीते हैं और अब टीम ही चेंज कर दी इन लोगों ने। क्या तुम बहुत पक्के हो रहे हो? अबे हाथ घुमा के तो डलवा लो दोनों बॉलरों से। भट्टा डाल रहे हैं दोनों ही। वो उसको देखना बिल्कुल ही बेसबॉल बेसबॉल। अबे चल भवे एक ओवर मैं भी डालूंगा पूरे ऐसे फेंक फेंक के टेढ़े। क्यों नहीं मारेंगे भैया? तुम्हारे बंदे नहीं मार रहे तो भाई ऐसे मारेगा क्या? ऐसे मारेगा क्या? ऐसे मारेगा क्या? बिल्कुल ही जर्क। ठीक है भाई सुन लिया यार। क्या क्या कर रहा है? रन मैन ही इन रहा। चौका। शॉट है भैया। मैच खत्म हो चुका है। जा रहे घर वापस। अभी देखते हैं छोले भटूरे वगैरह खाएंगे कुछ। फिटनेस भी जरूरी है ना, इतना ज्यादा खेल लिया। और पुनीत भैया कैसा लगा आज खेल के? मजा आ गया। दूसरी बार बेइज्जती कर रहा है तू यार। बट जादू ने भी मेरी बॉल पे 2 मैच में 2 बार छक्के मारे। कोई नहीं चलता रहता है, हम जीते हैं। ऐसी कैसी बात कर रहे हो? हम जीते हैं। मैं नहीं आया था ना, नहीं तो फैंटम जीते। आईटीएम का ओजी खेल रहा था ना उनके साथ, तो जीतेंगे। अभी यार जाते हैं दिल्ली में। गर्मी पता नहीं मार्च में इतनी गर्मी पता नहीं कब से होने लग गई है। ये मई वाली लग रही है गर्मी। जून जुलाई वाली गर्मी आ गई है। समर वेकेशन जून जुलाई में। चल बारिश भी होती है थोड़ी थोड़ी। साले वो एसी सर्विस करने वाले नहीं आ रहे। कह रहे भैया ये हमारा सीजन ही नहीं है अभी। और जो भी लौंडे यहाँ पे पढ़ते हैं ना गुरु शरण कॉन्वेंट। हेलो गाइस। इतना धूम में मैं 2 साल से अंदर तो नहीं घूमा यार। कितना हम लोगों ने मैच खेल लिया। अभी तो खेलूंगा मैं और खेलेंगे। अभी हम तो ब्लॉग तो और बनाएंगे। अभी तो आप देखते जाओ बस, कंटेंट ही कंटेंट फ्लो करेंगे। दिल्ली में पहले हम लोग ये सब फन करते थे बट मैं रिकॉर्ड नहीं करता था विद फ्रेंड्स विद फैमिली एंड एवरीवन। बट नाउ वी विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। प्लानिंग हो गया बहुत ज्यादा। अब मामा अर्थ का प्रोडक्ट लगाएंगे। रात को लेकर प्ले रहे। अच्छा नहीं हो रहा। हेलो गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। ओ भाई यार है ही नहीं यहां पे वो। तुम इस पे 50 रैप मारना। तो रखना है ऐसे दोनों पैर पहले ये करना है 50 रैप मारने से। आ जाओ मंजू फर्स्ट। मंजू फर्स्ट। मंजू फर्स्ट। चल आ जा। अबे यार तुम लोग भी ना लीग टॉपर्स। ओके ब्रदर सॉरी लीग टॉपर्स। यस ये है ना तरीका। हाँ यही है। ठीक है
चलो के भाई बॉय टेक केयर बाय और निकल जाओ यहाँ से चलो चलो निकलो यहाँ से निकल यहाँ से अबे यार अभी मजे नहीं लेने मन कर रहा था क्रिकेट मैच के बाद लस्सी सो गाइस हम लोग सब अभी गेट टुगेदर करने वाले हैं मैं एशले मतलब जो भी होली पार्टी में थे सब लोग कुछ कुछ लोग नहीं होंगे उन्हें हम लोग बुला नहीं रहे हैं मलाई आया ना अभी मजा आ गया रूअब से भी डलवाया एक्स्ट्रा अभी और डलवाता हूँ मजा आ गया नहीं लिखना केतन ओपी लिखना क्यों लिखना है इसका नाम क्यों वाय तो गाइस यहाँ पे अभी जहाँ पे हम लोग कुलचे छोले खाते हैं हमेशा वहीं पे आया हूँ दोपहर को थोड़ा सा हम लोगों ने खाया नहीं था एंड मैच खेलने के बाद इतना टाइम भी नहीं मिला घर पे खाने का नहीं बना एक्सक्यूज मी मैं नहीं करेगा इसको फॉलो हम जूम कर लेंगे जैसे लोग बोलते है ना कि फेमस छोले कुलचे ये टेस्टी वाले छोले कुलचे बटर चिकन पक कर आया दो लेग पीस मजाक कर रहा हूँ हम लोगों ने दो प्लेट छोले कुलचे कराया और उनको बोला था बाहर कितनी गर्मी है यार धूप कितनी है और हम लोगों ने अच्छा एक डिसीजन लिया कि हम लोगों ने पैक भी नहीं कराया और ऐसी लेके हम लोग गाड़ी में बैठे गाइस थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया आप भी ले लो सैनिटाइज करते हैं ना समझ में आ गया चाइना और पता है साउथ कोरिया में वापस से कोविड फैल रहा है और पता नहीं कोई अलग ही वेव चल रही है वहाँ पे तो पूरा लॉकडाउन हो गया अब गाइस मैं खिला तो मेरा चैनल आप मेरे से खाओगे याद नहीं है थ्रॉटल शॉटल में जाके पिज्जे खिलाए आप लोगों को कैमरा से झूठ बोलो घर वाले छोले सो गाइस आई एम बैक अगेन माय रूम अभी स्पेगेटी उन लोगों ने सबने बनाई थी बट उस टाइम पे मैं ढंग से नहीं खा पाया आज क्योंकि मैं एडिट कर रहा था व्लॉग ऑब्वियसली बिकॉज टाइम पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कल से आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे को 9 बजे डालना ही डालना है कुछ भी करके एंड आज रात को मैं अपना व्लॉग एडिट करूंगा बट आज का जो कोटा था मजे करने का वो हमारा बॉक्स क्रिकेट में खत्म हो गया क्योंकि हम सब लोग क्रिकेट एंथुसियास्ट थे जो हम लोग सीजन बॉल से खेलते लेदर बॉल से खेलते हैं संडे को प्रॉपर ग्राउंड पे वो हम लोग कॉस्को की बॉल से खेल रहे थे एंड जो लोग मीडियम पेस कर रहे थे वो लोग बैटिंग अच्छी कर रहे थे मैं पर्सनली आज मैंने बॉलिंग अच्छी करी तो गली क्रिकेट की थोड़ी सी वाइब दे देता है और ऊपर से नेट भी एंड बहुत बढ़िया तरीके से वही सेम में भी अगर जाओगे ना जहाँ पे आज मैं गया था अगले संडे का भी हमारा मैच है सो सब कुछ पावर पैक्ड अभी जितना नीचे खाना खाने के लिए बिकॉज डिनर और बेटे 3-0 मेसी का है ना गरीब भाई ओके मेसी अभी नहीं मैड्रिड बेंजेमा हैट्रिक और हम दिखा लूंगा आपने क्या जाऊंगा एयरपोर्ट पर गए तो ना परसों हाल सुना तो गाइस देखिए सब यहाँ पे डिनर करके हटे हैं एंड 83 मूवी ये मैं अभी नीचे नहीं देखूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को स्टार्टिंग से देखनी है मैंने आज तक नहीं देखी है एंड ऑब्वियसली इसमें हमारे एक लेजेंडरी कपल देव है यूट्यूब छोड़ रहा हूँ यार सही में लेजिटिमेटली मैंने सोचा था कि ये दो सिल्वर प्ले बटन भी मैं यहाँ पे वॉल पे माउंट करूंगा जब मेरा गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा बट अब यार हद कर दी यार यूट्यूब ने सीरियसली मैं मेल करके थक गया हूँ कितने मैंने थ्रेड बना दिए हैं कितने मैंने ईमेल पे वो लोग मानने को राजी नहीं कि मैंने गोल्ड प्ले बटन रिटर्न करा एंड मेरे पास प्रॉपर सीट भी पड़ी है बिल पड़ा है सब कुछ पड़ा है बट आई डोंट नो वो लोग क्या करके मानेंगे YouTube India सीरियसली इफ एनीवन फ्रॉम YouTube India इज वॉचिंग प्लीज गेट मी अ गोल्ड प्ले बटन एंड वो भी एक हर यूट्यूबर एक्सपेक्ट करता है कि यार 1 मिलियन जब उसके होंगे एक गोल्डन प्ले बटन मैं तो पर्सनली उस यूट्यूब वाली जनरेशन से हूँ जहाँ पे एज अ व्यूअर मैं दूसरे लोगों को देखता था हम लोगों ने हमारे सामने भुवन बाम को कैरी मिनाडी को सबको गोल्डन प्ले बटन लेते हुए देखा है तो हम लोगों के लिए एक सपना था कि हमारे रूम में भी एक गोल्डन प्ले बटन हो एंड 1 मिलियन हो गए एक साल हो गए बटन आया था बट डेंटेड दिया था उन लोगों ने पता नहीं कब तक देंगे अब तो मेरा ना खून खोलने वाला है कि मैं फटूंगा किस दिन ट्विटर पे या कहीं ना कहीं अब आई डोंट नो कब तक ये व्लॉग चलेंगे रेगुलरली बट मैंने अपने मन में अपने आप को कुछ बोल रखा है लेट्स सी वो चीज मैं कंटिन्यू कर पाता हूं बट कैमरा में और व्लॉग में मैं तो नहीं बताऊंगा एंड हम बस डेली व्लॉग करेंगे आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम अप गाइस मेरी भी इन जनरल आदत बननी वापस से शुरू हुई है फॉर डेली व्लॉग
एंड अब मैं वापस से वही सोच रहा हूँ कि 9 बजे वाला टाइम जो है बना दूँ. अभी देखो 10:04 एंड आई एम वेरी स्लीपी. कल मेरे को वापस से 6:30 या 7 बजे के आसपास उठना पड़ेगा टू एडिट दिस व्लॉग. तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में. तब तक के लिए ख्याल रखेगा अपना as always, but take care, peace out, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Also guys, stay happy. Bye. Peace out. बहुत बढ़िया अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हो. मैं बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर रही हूं. अरे अरे कैमरा ये क्या करना है, क्या चाहते हो, क्या शूट करना है.